ये तो छुआछूत के हीन भावना से ग्रसित लोग हैं। आदिवासी महिला है देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। सावरकर के नीतियों से देश चलेगा अम्बेडकर साहब की नीतियों से। आपके हीन भावना जो है दलितों के प्रति आदिवासियों के प्रति वो खुल करके सामने आया है। कितना आपके मन में भीतर से इनके प्रति नफरत है दलितों के प्रति आदिवासियों के प्रति, वो तो आ ही गया ना। बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई थोप दिया, ये अच्छा काम है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एक ओर संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है तो दूसरी ओर जो तमाम विपक्ष के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। आरजेडी ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि ताबूतीकरण किया जाए। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव है। एक ओर तो इतिहास लिखा जा रहा है, दूसरी ओर आप लोग देखिए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है, लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है। हम विपक्ष में हैं, हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचा देंगे, ये मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है। हम उस क्षण का गवाह कतई नहीं बन सकते हैं जहां संविधान की धज्जियां उड़ रही हो। कल इतिहास हमसे पूछेगा कि अनुच्छेद 79 जो स्पष्ट कहता है कि संसद का सर्वे सर्व राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जी साथ में होते, प्रधानमंत्री जी भी साथ होते, कितना मनोहर दृश्य खुल करके सामने आता। लेकिन आप तो ताबूतीकरण कर रहे हैं लोकतंत्र का ही। आप इतिहास बदलना चाहते हैं? इतिहास बदलने वालों को देश ने बदल दिया है, देश के लोगों ने। देश संविधान के रास्ते से चलेगा, संविधान से अलग रास्ता देश को कतई स्वीकार नहीं है। ये तो छुआछूत के हीन भावना से ग्रसित लोग हैं। राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वहां नहीं बुलाया गया, यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बुलाया गया, वहां भी छुआछूत का भाव आया, यहां भी छुआछूत का भाव आया। इसलिए कि वे आदिवासी महिला है देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, क्यों नहीं बुलाया? संविधान जब कह रहा है कि उनको बुलाना चाहिए, संविधान ने जो शक्ति प्रदत्त की है, संविधान ने निहित किया है प्रावधान, तो संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कैसे, संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन होगा तो चुप हम कैसे बैठेंगे? प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी आत्मुग्धता की इस प्रकाष्ठा की दलील पे खड़ी है, वहां से उसको कुछ नैतिक अनैतिक दिखता ही नहीं है। उस स्वयं को महिमामंडित करती है और स्वयं के महिमामंडन के लिए ये देश का एक एक लोगों का पैसा नहीं लगता है निर्माण में। भारतीय जनता पार्टी ने वही रास्ता अपनाने का काम किया। सावरकर के नीतियों से देश चलेगा अम्बेडकर साहब की नीतियों से। देश नहीं चलेगा बंच ऑफ थॉट से, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। आपके हीन भावना जो है दलितों के प्रति आदिवासियों के प्रति वो खुल करके सामने आया है। कितना आपके मन में भीतर से इनके प्रति नफरत है दलितों के प्रति आदिवासियों के प्रति, वो तो आ ही गया ना। एक सवाल है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आगे लोकसभा का चुनाव है, आप लोग ही चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा तो क्या उस संसद फिर आप लोग समझ रहे हैं? सवाल जाने आने का नहीं है, तो विमर्श का जगह ही है। तो आज क्यों नहीं? सवाल इसलिए है कि संवैधानिक परंपराओं का, संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है, इसलिए ये सवाल स्वाभाविक है और इन सवालों से मुंह नहीं चुरा सकता है कोई। हमारे कर्तव्य निहित हैं, प्रतिपक्ष में हैं तो हम सवालों को रखेंगे। लोग देश की जनता देख रही है हम किन सवालों को रख रहे हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान व्यवस्था की बात कर रहे हैं, परंपराओं की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, वायलेशन की बात कर रहे हैं। आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो ये लोग बायकॉट एक, एक एक काम अच्छा बता दो, कौन सा काम किया उन्होंने? नीरव मोदी पैदा कर दिया, चौकसी पैदा कर दिया, विजय माल्या पैदा कर दिए, अदानी पैदा कर दिए, LIC, रेलवे, एयरलाइंस, सेल, कोल, BSNL सबको डुबो दिया, यही अच्छा काम है? बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई थोप दिया, यही अच्छा काम है? जहां लोग पीड़ित हैं, मन की बात मत थोपिए, काम की बात करिए, काम की। आत्मुग्धता इस कदर न छा जाए आप पे
कि लोग देखा है कई अधिनायकवाद शक्तियों को देश ने खरीद दिया है, अधिनायकवाद थोपने की कोशिश की है, अधिनायकवाद शक्तियाँ यहाँ टिक नहीं पाते हैं। इसे भी 14 वाले 24 में जाएंगे ही ना, जाना ही तय है। तो चलिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि 14 वाले 24 में तो जाना तय है, पर क्या जब चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होना है, तमाम दल चुनाव लड़ते हैं, जीत कराते, तो क्या संसद भवन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मुख्य सवाल था, क्या जवाब दिया वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।